Now watch all the episodes only on Lehre app. जिस फिल्म का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो रिलीज पर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रैक फाइटर की। पवन सिंह है फिल्म में, संचिता बैनर्जी है जो मेरे साथ है। आज हम उनके घर आए हैं होली मनाने और उनकी फिल्म को लेकर कैसा अनुभव रहा वो जानने के लिए। संचिता, बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर। सबसे पहले थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, आप आए इतना टाइम निकल के, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस लाइफ। एंड बहुत अच्छा लगा फिल्म के लिए क्रैक फाइटर, पवन जी के साथ सुपरस्टार ऑलरेडी एंड पावर स्टार बोला जाते, एक्शन है, ड्रामा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ही होता है। अच्छा लगा काम करके, एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनके साथ। संजीदा, फिल्म का ट्रेलर देखा, जैसे कि आपको एक अलग ही अंदाज में देखा था। इससे पहले आपने निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की थी, उसमें एकदम बिगड़े लड़की थी, इसमें कुछ एकदम अलग ही है किरदार। जब फिल्म का ऑफर मिला था आपको इस फिल्म के लिए, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आया था कि क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस फिल्म के लिए? एक्चुअली पहले मैंने ये सोचा था कि जब सुजीत सर ने मुझे ऑफर दिए थे, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, अब नहीं बताऊँगी क्योंकि कल मूवी रिलीज है, सस्पेंस रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये जो किरदार है बहुत इम्पॉर्टेंट है फिल्म में, एंड बहुत समाज के लिए कि जो आप कर सकते हैं वो है इस मूवी में। बहुत अच्छा लगा मुझे इस कैरेक्टर को निभाते हुए, बस देखते हैं आगे कल। अच्छा, पवन सिंह, पवन जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा संजीता, क्योंकि आप उनको पहले से जानती हैं, उनके साथ फर्स्ट डे कैसा शूट था, वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? फर्स्ट टाइम जैसे दिनेश जी के साथ हुआ था, इतने बड़े सुपरस्टार है तो बहुत डरी हुई थी। फिर जब मैं काम करते करते ऐसे पवन जी के साथ जब मैं काम कर रही थी, ऐसे फ्रेंडली एटमोसफियर बना दिया था, बहुत ही कॉमेडी भी करते हैं, एक्शन हीरो बोला जाता है बट ही इज़ वेरी कॉमेडियन, एंड मुझे बहुत सपोर्ट मिला उनसे। हर चीज़, हर सीन के बारे में हम लोग पूछते थे एक दूसरे से, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करके। अच्छा, उनके साथ आपके गाने भी हैं, तो गाने करने के समय कैसा माहौल था, क्योंकि बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप भी बहुत अच्छी डांसर है, दोनों का तालमेल कैसे बैठता था? बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत सपोर्टिव थे वो बहुत उस टाइम, एंड अच्छा लगा। हम लोग जब डांस प्रैक्टिस भी करते थे, रिहर्सल किया एक बार, फिर उसके बाद किया, तो इट्स वेरी कम्फर्टेबल जी। संजीता, फिल्म की शूटिंग रांची में की गई है, आप शायद फर्स्ट टाइम आपने ऐसे लोकेशन पे शूट किया होगा, कैसा माहौल था वहाँ पर, कैसे लोग आपसे मिलते थे? बहुत ही अच्छा, बहुत ठंड थी उस टाइम, बहुत अच्छी रोड्स है, एटमोसफियर है, बहुत अच्छी लोकेशन से वहाँ पे हम लोग खेलगांव स्टेडियम में भी शूट किया है। और रांची मतलब झारखंड एक बहुत अच्छी जगह है, लोग भी बहुत प्रिय है, मतलब बहुत अपने आप को आपको बहुत अच्छे से उन लोग वेलकम करते हैं, एंड सपोर्ट किया है बहुत, तो अच्छा लगा मुझे रांची में काम करके। एंड आगे भी फ्यूचर में भी चाहूँगी कि रांची में शूट हो, मैं जाऊँ वहाँ पे शूट करूँ, फिर से वही पुराने यादें आ जाए वापस। अच्छा, पवन जी बहुत अच्छे सिंगर है जैसा कि सब जानते हैं, सेट पर कभी गाना गाते थे आपके लिए या बाकी कास्ट के लिए? मेरे लिए नहीं गाना गाए वैसे, बट जब भी वो गाना गाते थे ना तो ऐसे माहौल हो जाते थे, सब टेक्नीशियन से लेके डायरेक्टर, एक्टर, जितने भी ऑडियंस, सब चुप हो जाते थे क्योंकि उनको ही सुनते रहते थे। एंड सीरियसली ही इज़ द नंबर वन सिंगिंग में, उनके आगे कोई नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संजीता, आपने निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की दिनेश जी के साथ, फिर अब पवन जी के साथ, बीच में काफ़ी गैप हो गया, तो लोगों को लगा कि संचिता फिर से भोजपुरी फिल्में करेंगी या नहीं करेंगी, फिर अचानक से आप क्रैक फाइटर में अब आने वाली है, इतने समय में आपको लगा था कि आप भोजपुरी फिल्म वापस करेंगी या नहीं करेंगी, क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था? एक तो जब मैं निरहुआ हिंदुस्तानी 2 कर रही थी तो मैं एजेंसी के साथ मॉडलिंग, मैं प्रोफेशनल मॉडल भी हूँ तो एजेंसी के साथ जुड़ी हुई थी, तो वो बहुत प्रॉब्लम किए थे मुझे उस टाइम कि नहीं आप शूट के टाइम में आप अचानक जा नहीं सकते। जैसे अभी भी मैं जुड़ी हुई हूँ एजेंसी के साथ, बट अभी भी कोई भी शूट आता है तो मैं उसको 10-15 दिन पहले एक नोटिस दे देती हूँ कि सर मैं फिल्म की शूटिंग के लिए इतने दिन नहीं हूँ। अभी मैंने और स्क्रिप्ट के लिए भी मैं सोच रही थी कि अच्छी स्क्रिप्ट आए करूँ, एंड तो मुझे मैं अभी कंटिन्यू करूँगी भोजपुरी। संजीदा, दो फिल्म आपने कर ली, अब भोजपुरी बोलना सीख रही है या फिर कुछ डायलॉग्स अब लगता है कि मैं भोजपुरी बोल पाऊंगी? कोशिश किया है मैंने, बहुत कोशिश किया है कि भोजपुरी बोलने के लिए। अभी विवाह पिक्चर भी करके आई हूँ मंजू सर के साथ, उन्होंने भोजपुरी में डायलॉग रखा था
तो मैंने कोशिश किया, बहुत टफ है, बट कोशिश करूंगा अभी बोलने के लिए आगे। कितना अच्छा लगता है संचिता जब भोजपुरी आप सुनते हो, खुद बोलते हो, कितनी प्यारी भाषा लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है। एंड कुछ कुछ ना बंगाली के साथ भी टच है, जैसे बहुत सारे भात एंड बहुत लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, हमको सीखना होता है। बट मुझे बहुत मज़ा आता था, कुछ सिखाते थे तो गैलू हाँ रोआ लोग कहाँ जाया इस टाइप के डायलॉग्स, बट टॉम करते थे। अब मैं डायलॉग बोलने के लिए कोशिश किया है मैंने जी। कुछ कहना चाहेंगे पवन जी के बारे में? पवन जी की क्वालिटीज कौन सी अच्छी लगती है आपको? सेट पर कोई माहौल अच्छा लगता हो आपको, कुछ शेयर करना चाहेंगी? सबसे बड़ी बात उनकी सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है एंड वेरी कॉर्पोरेट, कॉमेडी बहुत करते हैं, उनको देख के नहीं लगता है बट बहुत हंसाते रहते हैं कुछ ना कुछ सीन में या किसी के बारे में। ऐसे तो एक सिचुएशन हुआ था, फर्स्ट डे मेरा शूट था उनके साथ, तो शादी का सिक्वेंस था, तो अचानक मैं सोच रही हूँ एक्शन है रफ होगा, टफ होगा एंड शायद रूड भी होगा, बट एकदम नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे साथ तो बहुत कोऑपरेट हो गए थे। मुझे लगा ही नहीं कि इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल। संजीता फिल्म में निधि झा भी है, उनके पवन जी के साथ उनके गाने काफी हिट हुए हैं, लुलिया काम आंगेले, उनके साथ कभी कोई स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला या फिर उनसे कभी बात हुई सेट पर? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कभी मिले ही नहीं है। फ्यूचर में मैं सोचूंगी हाँ निधि झा के साथ भी मैं काम करूँ, एक ही स्क्रीन शेयर करूँ, बट मिले नहीं हम लोग इस मूवी में, दोनों का ही डिफरेंट है कैरेक्टर। संचिता फिल्म कल रिलीज हो जाएगी थिएटर में मुंबई और बाकी सब जगह पर, तो संचिता जाने वाली है अपने फ्रेंड्स लोगों को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर फिल्म के लिए? हाँ मैं तो जाने वाली हूँ, कल ही देखने वाली हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्रैक फाइटर के लिए। एंड सही में इट्स ए बिग बजट मूवी एंड बिग मूवी, इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी पिक्चर आ रही है एंड सुजीत सर ने बहुत अच्छे से हम लोग काम करवाए, वेरी कूल डायरेक्टर, मतलब उनको कोई टेंशन कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ भी कुछ चीज़ें के लिए वो हेडेक नहीं लेते, बहुत अच्छे से हम लोग ने काम किया। सुजीत सर के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इस अच्छे अच्छे मूवी दे चुके हैं उन्होंने, सत्या वांटेड, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। संजीता अब दो फिल्म कर ली है, आगे भी आपकी इच्छा है फिल्म करने की भोजपुरी या फिर अब भोजपुरी की बहुत सारी एक्ट्रेसेस है जो गाना गाने लगी है, संजीता भी कोई गाना गाएंगी भोजपुरी में? नहीं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं मैं डांस कर सकती हूँ बट कोशिश करूँगी, आगे देखूंगी, बट लोग भाग जाएंगे मेरी गाना सुनते हुए तो भाग जाएंगे। अच्छा कुछ कहना चाहेंगी अपने फैंस को अपनी इस फिल्म के लिए, क्रैक फाइटर देखने के लिए? हाँ प्लीज़ अगर आप लोग मुझे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, प्लीज़ जाइए, कल रिलीज़ हो रही है क्रैक फाइटर, आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बहुत नर्वस भी हूँ। आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, पारिवारिक मूवी है, एक्शन मूवी है, रोमांस है, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को इसमें, प्लीज़ जाइए, सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच संचिता हमसे बात करने के लिए और आपकी फिल्म क्रैक फाइटर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू पूजा। कैमरामैन खालिद के साथ पूजा, लहरे मुंबई।